एक कॉल ले लेते हैं जी अलैक्म जी एलेवेंथ आवर बिल्कुल तो हाँ बंजलील से टॉक्सिक पीपल से कैसे बात कर सकते हैं अब बात कर रहे हैं <laughs> 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 तो आज जी बात करना चाह रहे हैं हम कि टॉक्सिक लोगों से अपनी ज़िंदगी में कैसे डील करें हाँ क्या टॉक्सिक लोग होते हैं टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं

वैसे कभी कभी कुछ पर्सनलिटीज का हिस्सा बन जाते हैं शायद प्रैक्टिस ज़्यादा किया जाए या बचपन के यू नो you know. नहीं इसमें अगर आप बंदों को ही टारगेट कर लेंगे ना रादर रैन टेकिंग दैट बिहेवियल एक्ट तो आप फिर उस बंदे से ना नफ़रत करने लग जाएंगे तो इससे बेहतर <Lanom>. यह है कि उसके जो बुरी आदत है उसको पकड़ें और उसके साथ सिम्पथी रखें इम्पथी रखें ताकि उस हिसाब से आप अच्छे अल्फाजों में उसको यानी समझा भी सकें अगर यही होगा अगर आपके माइंड में यही है कि नहीं ये बंदा ही ऐसा है then I think there will be a barrier। आजकल के दौर में ना, toxicity बहुत बढ़ गई तो है ड्रामाज मूवीजी क्या किसको? यार दूसरे की जिंदगी अजाब बना देना simple।

बहुत ज्यादा वो ना टॉक्सिक नाम, नहीं, 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 तो नाम वैसे आपके ना इसलिए मैं आपके पास आया था ना अल्लाह अच्छा वैसे यार प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो मेनली सास बहू के मसाइल उसमें टॉक्सिस काफ़ी होती है अच्छा कुछ फ्रेंड्स में भी कुछ सर्कल्स में भी ऐसे होते हैं दोस्त यार आपस में है बट फील वेरी ऑकवर्ड एंड को ना पकड़ लेते हैं और, इंसल्ट की रही होती है। और वो उस बंदे के जिसके साथ हो रहा होता है ना वो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी नहीं कर पा रहा था कि छह बंद उसको अटैक कर रहे हैं लेकिन होता वोटिस है

बाकी शायद उसको कैजुअल ले रहे हैं जिस बंदे के साथ हो रहा होता है ना वो उस, वो बेचारा अंदर से ना वैसे बात कर मार रहा होता है इसको ऐसे समझाते से हम बुलिंग कह सकते हैं इसको हां है। ये बुलिंग में आता है अच्छा वो दोस्त आपस में प्यार मोहब्बत भी करते हैं यानी वो सब उनमें होता हाँ है लेकिन ना अंदर से ब्रो मुझे कुछ मैसेज ऐसे आए सुभान अल्लाह जिसमें कहा तो बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं बट उसके टॉन्स और बुली की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब फील करता हूँ और मैं उसको सुबह नहीं सकता क्योंकि हम अच्छे दोस्त है तो मुझे वो ख्याल शुरू हो गया अल्लाह माफ करके जब हम अपने दौरे जालियत में जब तंग करते थे तो वो भी ऐसा फील करते होंगे यार अच्छा मुझे ऐसा लग, लग रहा है शेयर नहीं किया उस टाइम पे ना

तो जितना आपका इंट्रेक्शन ज़्यादा जितना बर्तन करीब पड़ेंगे उतना टकराएंगे इसी आपस में यार ये जो पेट का कॉन्सेप्ट है इसमें ये चीज़ देखने को समझ में आती है कि वो जो एक मर्द होता है घर का जो के सबको कंट्रोल कर रहा होता है वो यूजली टॉक्सिक कम अज़ कम मूवीज़ में ये डिपिक्शन दी जाती है हमारी सोसाइटी की कि जो अनपढ़ फैमिलीज हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है बड़ी बड़ी फैमिलीज है इकट्ठे सारे रह रहे हैं उसमें जो दादा जान हैं या जो सबसे बड़े Uh, mm -hmm. फर्द के जो सब चीजें चलाते हैं घर घर में उनका चलता है तो अच्छा वैसे वैसे मैं हम जो घर के जो मर्द होते हैं ना अच्छा वैसे देखा जाए कुछ गलतियां मर्दों में ज्यादा होती हैं जैसे इश्यूज मर्दों में होते हैं ज़्यादा ठीक है लेकिन टॉक्सिसिटी और सियासत मर्दों में इतनी खात में ज्यादा होती है अब से कहते कि हम क्यों यूजली बहू के अक्सर ड्रामे क्यों बने होते हैं या उनका क्योंकि जनरली एवरेज अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें खुवान में ज्यादा होती हैं आपस में उस समझ क्यों कहा क्यों देखा, और सारा मर्दों में थोड़ा सा ये गुस्सा ज्यादा होता है वो किसी को सुना दी और फिर वो ठीक मर्द अपना जो हो इशू होता है ना वो गुस्से की फॉर्म में इजहार करके निकाल रहा होता है हाँ औरतें अक्सर वो अंदर रख के वो फिर राइट लेफ्ट शेयरिंग और उसके अंदर लवाफ कर ये चीजें आ जाती हैं और इसकी वजह से वो पॉलिटिक्स टाइप चीज थोड़ा ज्यादा साइड नोट है मुझे ये बताएं कि जो वाकई मूवीज़ वगैरह में में डिपिक्शन होती है हमारी सोसाइटी डू यू थिंक इट्स रियल मैं समझता तो हूँ एक्सजरेटेड होती है अच्छा वो कुछ रोटन एग्स पकड़ते हैं और उन्हीं को बता देते हैं कि ये मेन स्ट्रीम ऐसा ही होता है घरने में हालांकि में ऐसा होता नहीं कि हमारी है हमारी जो रूरल खास तौर पे है, वो, वो टॉक्सिक दिखाई जाती है जाने के राइट यार मैं, मैं रिसेंटली तो ड्रामे देखे नहीं बड़े अरसे से तो अभी लेटेस्ट ड्रामा का तो नहीं मुझे पता कि क्या है लेकिन आई थिंक पुराने जो जिसमें दिखाते थे टिपिकल एक नॉर्मल सारे रूरल तो नहीं लेकिन इवन शहरी फैमिलीज को भी तो उसमें जो जेनेरिक सी चीज थीम्स दिखा रहे थे तो कुछ ऑब्वियसली रियल होती है बट ऑब्वियसली दे मेड एक ड्रामा बना रहे हैं एक्साइटिंग चीजें एड भी

ट किया गया स्पेशली ज्वाइंट फैमिली की जब हम बात करें ना तो डेफिनेटली जब एक घर है उसमें मदर भी हैं और बेटे की वाइफ भी हैं तब वो एक जनरली जो मीडिया uh, डिपिक्ट करता है कि जी अब हाँ। घर का बड़ा कौन होगा कौन फैसले करेगा तो वो आपको आपको पता है कि आग लगाने वाला मीडिया है कि जी सास ये कर रही है और जो है बहू ये कर रही है तो बड़ी ना एन और गु़स्सा और एक दूसरे से हसद इस किस्म की मुझे तो लगता है कि ये जो एक से ज़्यादा शादियां भी है ना ये भी यहाँ पे वो परसेप्शन दिया गया हमारी culture, है हमारी सोसाइटी में विच इज़ ब्रॉड फ्रॉम द इंडियन कल्चर बेसिकली ठीक है वो स्टार प्लस के ड्रामाज और जी के वो देख देख के ना वो चीज़ ज़्यादा लगती है अगर ह्यूमन ट्रेड

हमारे एक्चुअली जो बड़े हैं ना यू नो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो यानी अब देखें ना जब आपका घर सेपरेट है तो अलहदिल्ला हमारे जो फोर फादर्स हैं नुदुल्ला। नुदुल्ला। और मैं ये समझता हूँ हुँ। कि ये बहुत ज़्यादा राइज है कि हम समझते हैं कि हमारे बड़े भी कहते थे ना कि इकट्ठे रहने में ही बरकत ज़्यादा होती है तो अब देखें ना सुफ्या अल्लाह दीज अरब्स की अगर बात की जाए ना रो जितना आप एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है डेकोरम रहता है पर्दा है और हया का वो जो पहलू रहता है ना आपकी मोहब्बत भी बढ़ती है एन hmm. दे इन्वाइट ईच अदर्स और हमारे यहाँ अब यहाँ पे देखिए उल्टा क्या होता है कि इसमें सबर का पहलू ज़्यादा आ जाता है यानी अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो उस हिसाब से फाइनेंशली स्ट्रॉग भी नहीं hmm. बंदा होता तो डेफिनेटली वेन यू नो सन ही ब्रिंग्स द वाइफ जब उसकी वाइफ आ जाती है दैन इट हैज़ टू बी मैनेज और उसमें मैं समझता हूँ कि चाहे वह सास है बहू है या कोई भी इंडिविजुअल है घर का उनको थोड़ा सा ना पेशेंट के साथ पेशेंस के साथ जो है hmm. ना मकसद ये कि ब्रो ये ना परसेप्शन क्रिएट की यस yes, डेफिनेटली आप देखिए ना कल्चर्स में डिफरेंस क्यों है क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं हम उसको एडोप्ट करते हैं लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है देखिए जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना ये अरबों के हाँ जैसे हम जब कतर थे याद है आपको बताया उधर भी यही सिस्टम था कि वो घर शर दे रहे हैं चीज़ें दे रहे हैं अब हमारे यहाँ एक लड़का यंग सा है अगर वो जल्दी शादी करना एक तो लेट शादी भी इसलिए होती है वो सेटल नहीं हुआ जी फाइनेंशियली सेटल नहीं हुआ अब वहाँ पर कह रहे हैं जल्दी शादी करना चाहिए करें आपको बेसिक चीज़ें दे दी जाएंगी यहाँ पे अब एक 22 साल का लड़का ना घर है ना कुछ अफोर्ड ही नहीं करता ही हैज़ टू से लेकिन ये बहरहाल एक ऑब्सट्रक्शन uh, जरूर होती है ऑब्स्टेकल ज़रूर होती है लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होता है ना उन लोगों के लिए जिन्होंने पहली शादी एक शादी कर चुके हैं वो ये नहीं होता वो ये होता है कि वाइफ को मैं कैसे टैकल करूँगा या वाइफ के खानदान को कैसे टैकल करूँगा मेन जो चीज़ है वो ये है अच्छा खैर मीडिया ने खैर बहुत रोल प्ले किया इसमें टॉक्सिसिटी में कि इतना शो इवन यू नो व्हेन यू उसमें आप जो बुरी चीज है हाँ, उसको ग्लोरीफाई करें ना असल में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है आप अवेयरनेस के लिए बुराई दिखा सकते हैं एक हद तक लेकिन उसमें आप बुराई को ग्लोरीफाई ना करें हाँ, बुराई, बुराई को बुराई दिखाएं बुराई विलेन को हीरो मत बनाए

इट इज़ इन फ्रंट ऑफ़ ऑफ़ ऑल मतलब मौलवी का तस्वर अगर आप किसी कॉमन बंदे से पूछें तो वो क्या है वो कॉमन बंदे के लिए नेगेटिव है क्योंकि हमेशा उसको नेगेटिव ही दिखाया गया ना नॉट के नेगेटिव नहीं है नेगेटिविटी तो हर मदर्स में भी नेगेटिविटी है

Sells, sells, sells जो लोग देख रहे हैं उनको तो इन्फ्लुंस हो रहे हैं वो मतलब हाँ। आप हॉलीवुड बॉलीवुड तो बल्कि मुझे याद है जब भी वो विलन के साथ कोई छोटू होता था तो उसने दाढ़ी और होती थी टोपी पहनाई होती थी नाम उनका अमजद साहब रख दिया होता था तो वो विलन का वो होता था ड्रग डीलर होगा पेटीएम वाला काम वो करता हो इधर से उधर पहुंचाता हो मतलब इस तरह के नेगेटिव रोल्स इवन हॉलीवुड में भी देखते हैं उन्होंने भी जिसको एक टाइम तो ब्लैक्स को दिखाते थे फिर उन्होंने नाइन के टाइम मुसलमानों को दिखाने टेरिस दिखाने तो ये तो चल रहा है हमारे यहाँ पर भी अगेन सास बहू रिलेटेड चीज़ें आ जाएँ या इवन आ, मैंने नोट किया कि रिसेंटली जो आप याद करें ग्लोरीफिकेशन की बदतमीज़ी को और एग्रेसिव बिहेवियर को अपने राइट्स को लेने के लिए कुछ भी बोल देना लेकिन किसी का किसी को बेजत कर देना किसी को नीचे दिखा देना इसको ग्लोरिफाई कर दिखाया कर जा रहा है और हमारे यूथ में ये चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है लोगों की कि यार मैं ना अगर किसी को चुप करा दूंगा ना देट मींस कि मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ चाहे उसमें मैंने उसको गाली दी है चाहे मैंने उसको इंसल्ट किया चाहे मैंने उसको डिग्रेड कर दिया इट्स ऑल अबाउट विनिंग द आर्गुमेंट इसमें ना दोनों साइड पे दोनों हैपनिंग एवरीवेयर हां दोनों एक्सट्रीम्स हैं एक्चुअली देखें सुभान अल्लाह अल्लाह ताला हमारे <laughs> बड़ों को बुजुर्गों को खैर वाफत में रखें वो भी जाहिर बात है एक माइंडसेट से वो भी पले बड़े वहां से आए उनका भी एक माइंडसेट है ना ब्रो hmm. तो मुझे याद पड़ता है कि यू नो इफ़ आई टॉक अबाउट यू नो माय मदर फॉर इंस्टेंस पहले ये बड़ा कॉमन था कि जी घर में अगर बहू आई है शी हैज़ टू तो टेक यूर ऑफ एवरी थिंग सांस का भी ख्याल रखना है और ससुर का भी ख्याल रखना है घर की सफाई सारा और वो करती थी माशा दे हैड दिस स्ट्रेंग अर नो सफ़ान अल्लाह जो हमारी माई थी उनके अंदर स्ट्रेंथ थी बट नाउ इफ यू टॉक अबाउट टूडे तो सुफहान अल्लाह आज कल की जो आई I मीन mean, जो यू uh, नो you know, लड़कियाँ हैं अब वो सफहान अल्लाह अपने आप को अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को इन्हीं को ही अच्छी तरीके से समझ यानी संभाल लें और समझा लें कैटर कर लेना तो आई थिंक दिस इज अ वेरी यू नो आई आई थिंक द जॉब वुड बी डन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी देखें इसमें आप आजकल के मर्द ही डेफिनेटली ब्रो हमारे मर्दर मम्मीज बॉय हैं ब्रो मैं बेगम से हम बेगम से रिक्वेस्ट किए कि मैं 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 वहां से पूछ लूं मैं इफ यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस योरसेल्फ

पैसा जितना आ, आ रहा है फिफ्टी आपका फिफ्टी मेरा चाहे वो राइट्स है चाहे वो वेशन पे जाना है फिफ्टी आपके फिफ्टी मेरे हर चीज़ में फिफ्टी फिफ्टी एन दैन सर इस्लाम एक दे वांट जो इस्लाम ने वुमेन को रोल और वो एक हक दिया है वो भी साथ देती हैं तो यूके में और बाहर के मुल्कों में ना मतलब इतना अजीब मामला हो चुका है कि प्रैक्टिसिंग लोग भी जो है ना दे फील के यार हाँ मतलब ये ना इस तरीके से फिफ्टी फिफ्टी ऑलमोस्ट चल रहा है मर्द और, और दोनों काम करें दोनों मिल घर की चीजें भी करें दोनों बच्चों मतलब वो जो फिफ्टी फिफ्टी वाला लाइफ जो घोरों ने किया जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है मतलब एक पॉसिबल ही नहीं, नहीं। उसमें बेचारी औरत एक तो ज्यादा पिसती है क्योंकि नेचुरली उसकी मोहब्बत विद किड्स ज्यादा होती है और वो सफर एवं ज्यादा करना शुरू कर देती है असल में एक और रीज़न भी है कि दे वॉन्ट कि बच्चों की परवरिश और ख्याल रखना माँ बाप ना करें गवर्नमेंट करें टेक करें उसे, और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द किड्स क्योंकि गवर्नमेंट हर बंदे पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखना चाहिए वो इंटेंशनली टॉक्सिक होता है या वो उसके लाइफ के पैटर्न्स या लाइफ के इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो होता तो अच्छा है लेकिन वो

आप उसको कैसे हैंडल करते हो? नाउ यू वुड हैव डिफरेंट एग्जांपल्स अच्छा आपने जो सवाल किया उस पे आई थिंक दो टाइप ऑफ लोग हैं एक वो है जो के आ, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ खाली टॉक्सिक हाँ। है जैसे आप कहते ना दैट्स जनरली बड़े अच्छे होते हैं के वो दे दे जनरली वेरी नाइस बट विद दे हैव दिस कोई अंदर दिल का मसला ना या कोई हेट्रेट टाइप चीज है या डिसलाइक है हेट्रेट से थोड़ा काम टुवर्ड्स Somebody else तो ये जनरली बंदा ठीक है तो ये इज समथिंग एल्स एक है जो बता जनरली नेगेटिव है जैसे होता है ना किड़े निकालने वाले नहीं होते हर चीज में नुस निकाल रहा है एक बंदा उसको हर चीज में जाएगा उसमें यार ये यह यहाँ यह मसला फैलाने में मसलाने मसला के खिलाफ इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं उसको हर इंडिविजुल कोई ना कोई मसला नजर आगे बट वो हेटरेट के लेवल पर नहीं जा रहा होता दिस इज अगेन आई थिंक जो कि ट्रेंड है बिल्कुल जो बचपन से ना किसी इन्वायरमेंट में रहा है ना जितना हर वक्त नेगेटिव चीजें हो रही है ऐसे लोगों के साथ उठा बैठा बहुत ज्यादा इसको मैं चेंज करूंगा इस लिहाज से कि हो सकता है कि एक बच्ची हो उसने देखा हो कि मेरी मदर के साथ ना मेरी जो यानी जो मेरी ग्रैंड मदर है उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया वो जॉइंट फैमिली में रहते थे अब ये जो बच्ची जिस जो इसकी परवरिश हो रही है ना अब इसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कल को डेफिनेटली उसने भी एक ना एक दिन ग्रैंड मदर बनना है अब वो साइकिल में दोबारा कंटिन्यू करती कि मैं भी आने वाली जो लड़की होगी औरत होगी उसके साथ ऐसे ही करूँगी और ये ऐसा ही होता है जैसे आपने कहा ना कि एक माइंड बन जाता है कि पूरा एक पर्टिकुलर बंदे के साथ कि अब इस एक खातून ने आना है घर में मैंने इसको प्री एज्यूम कर लिया आई हैव टू डील विद हर लाइक दिस एज माई मॉम वॉज डेल्ट तो ये मैं समझता हूँ कि इस चेन को ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, है। इंसान की वो आ, हमें ये देखना है ना कि वो किस तरह बनती है एक तो जीन्स का बहुत बड़ा किरदार होता है जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एन्वायरमेंट होता है अप ब्रिंगिंग होती है जो इन्वायरमेंट के बेसिकली हिस्सा है तो ये दोनों चीज़ें मिल आपके उसको बनाती हैं तो लोग आ, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को चेंज किया जा सकता है बिल्कुल, बिल्कुल एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ hmm. अपने नॉलेज में इजाफा hmm. करने के साथ एथिक्स <laughs> uh, और मॉरल्स जो हैं वो सीखने के साथ आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस नाउ सोल्यूशन प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रही है hmm. yeah. और ये घरों को तबाह भी so कर सो देयर आर काइंड ऑफ तबाहली बेसिकली बीइंग टॉक्सिक योरसेल्फ के आप खुद टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस करते हो

अनफॉर्चुनेटली अगर वो जो थाट पैटर्न है उसको जस्टिफाई करे पब्लिक अप्रूवल यानी पब्लिक एक्सेप्टेंस मिल जाए उसको और दूसरा गवर्नमेंट भी यानी फॉर एग्जाम्पल आपको हर जगह वो शो किया जा रहा है कि जो आपका थाट पैटर्न है वो ठीक है यूर थिंकिंग राइट देन उसको वैल्यू सिस्टम भी और That's किसी साइंस sure से जोड़ना भी यू डोंट हैव दैट करेज टू अन फॉलो दैट ट्रेंड नो दैट वैल्यू सिस्टम मैं समझता हूँ कि अनलेस यू बिलीव इन अनदर वैल्यू सिस्टम विच इज नोन एज ला इला

हमारा कोई और सिस्टम चल रहा है जो आपने सारा गवर्नमेंट की तरफ से राइट लेफ्ट माशरे में वो चीज़ कॉमन हो चुकी हुई है ना और वो इसके साथ रिकनसाइल नहीं करता नहीं। हम क्या कर रहे होते हैं? हम ढूंढ रहे होते हैं अपने दिमाग से रीज़न जस्टिफाई करने की और वो आगे से हो भी रहा होता है और हम इस तरफ नहीं आ पा रहे होते आई थिंक इसमें जो आपने बात की थी नेचर वो जो इन्वायरमेंट की जिस साइकोलॉजी बड़ी डिबेट है ना नेचर और नर्चर की कि यार बच्चा जो पैदा होता है वो नेचर पे कितना होता है और नेचर कितना किया जाता है व्हाट्स विथ इनमें से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है एंड दोनों साइड्स के बड़े बड़े दलाइल हैं कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नेचर ही सारा इनफैक्ट ये वो टॉपिक एलजीबीटी की तरफ चले जाएगा वो तो कहते हैं ना कि आपका ये सोशलाइज करते हैं जी आप औरतों को फेमिनन बिहेवियर है आप लोगों ने सारा नर्चर किया हुआ है ये नेचर hmm. कुछ नहीं है हम तो hmm. कहते हैं फितरी तौर पे औरत एक चीज़ के अंदर फेमिनिन चीजें होती मर्द के अंदर मैस्कुलिन चीजें होती हैं hmm. तो ये खैर एक लंबी डिबेट है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई जिसके अंदर अपने अंदर को लग रहा है मेरे अंदर कोई टॉक्सिक बिहेवियर है कोई hmm. चीज अगर लग रही है कि ये कहाँ से आ रहा है hmm. तो वो जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ा होना फिर तो बहुत मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनको बचपन में मेंजन ने इग्नोर किया पेरेंट्स ने इग्नोर किया अच्छी अच्छी जगहों पर नहीं ले गए उनको फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ और जब वो बड़े हुए उनके अंदर ये चीज़ शदत से पाई गई कि मुझे क्यों नहीं यहाँ पे बुलाया मुझे क्यों नहीं वाई आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस वो और मैं कितने लोगों को जानता हूँ कि जितने फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स ने उनको हमेशा टॉन्ट किया हमेशा डांटा हमेशा वो किया ठीक है दिक 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 आ, अब जब वो बड़े हो गए तो उनको टॉन्ट करना बर्दाश्त नहीं होता किसी से यानी कोई नहीं। मेरी इसलाह करे रहे उनको बर्दाश्त नहीं होता नहीं। इसी तरह जीके? यार ये कि जो पेरेंट्स बच्चों का इनफैक्ट हम जो कह रहे अभी बात कर रहे थे बच्चों को जो बहुत पैंपर करके रख रहे होते हैं ज़िम्मेदारियां नहीं दे रहे होते देर देर उनको मेहनत करना या जिम्मेदारी उन पर आती है उनसे हैंडल ही नहीं की, की जाती है सो ये बहुत ये तो वो एक

जो बुरा है शख्स वो झगड़ालू है ठीक है अल्लाह ताला की नजदीक झगड़ालू लड़ने वाला ये क्या है टॉक्सिक बंदा तो है ना जो बात बात पे आपसे लड़ता है तो इसमें ये समझ में आती है ना बात मिसाल के तौर पे आप अगर किसी बंदे के साथ आपकी बहस हो रही है उस बंदे का अपना जर्फ है वो गालियाँ दे रहा है ऊँची बोल रहा है जैसे मर्जी बोल रहा है यू नो वॉट मैटर्स इज हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्सन बिल्कुल ये बड़ा मैटर करता है तो यही बात आती है ना जो उसमें समझना हा? भी मैं मुझे हा? जो जो चीज़ एक लोगों में यानी हेल्प करती है ना जो लोगों को देखा एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू वो ये कि वेन समबडी इज़ बिहेविंग इन एनी वे शेप और फॉर्म

इंट ठीक हाँ। है दिस क्या? जब तक ओ, आपने उसको बजा के समझा नहीं ना दिया तब तक आप जीते नहीं हो और चाहे एक बंदा वैसे भी ना जितना भी बुरा है अल्लाह के नबीसल के पास एक शख्स आया तो अल्लाह की मैंने उसको आते हुए देखा घर आ रहा था तो उन्होंने कहा कि ये बंदा अल्लाह की नजर बहुत शर वा है लेकिन जब वो आए तो बड़े इज्जत रिस्पेक्ट से मिले और उनको किया तो हाथ और मोबिन से एक ने पूछा कि आपने यारसोल्ला आपने तो ये कहा था बट यू डेल्टिंग वेरी नाइसली तो ये क्या तो आपने फरमाया कि वो शख्स यानी बहुत बुरा है जिसके शर से बचने की वजह से लोगों से अच्छे तरीके से ट्वीट करें ठीक hmm. है लेकिन आपने अच्छे तरीके से ट्वीट करना है उसे hmm. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल रिस्पेक्ट सम बिकॉज ऑफ़ उनके शर से बचने के लिए तो आपने उनको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करना है और वो सब करना है बट देर आर पीपल अलग के नदी के दौर में ऐसे लोग थे जिनमें शर था बहुत गालत था बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये बंदा है आपने उसके साथ वो नथिंग नहीं हो जाना कि ठीक है तुम भी बुरे हो तो हम भी बुरे हैं फिर तो ये तो 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 हमारे यहाँ थोड़े से ऐसे होता हाँ। है कि जी मैं नीचे कैसे होगा ये बंदा मेरे से ऊपर कैसे हो गया और मैं ये समझता हूँ जैसे आपने बताया ना कि ला अला दिस इज़ दी सोलूशन जितना आप अपने दीन को समझते हो ना आपके अंदर फॉरबेरेंस भी आ जाती है वो एक मुझे वाकई याद आया कि वो एक अशज एक जो है थे बंदे थे तो वो लीडर थे अपने कबीले के वो आते हैं रसोल्ला से मिलने के लिए सल वसम तो उनके पीछे उनके वो यानी बाकी कबीले वाले भी थे होता क्या है कि उनके जो बाकी बंदे थे वो बड़ी जल्दी से चले गए मिलने के लिए अल्लाह के नबी से तो और जो लीडर है वो तो उधर ही रह गया ऊंट उनके साथ सारे तो अब उस शख्स ने क्या किया आराम से उतरा ये नहीं कि शोर मचाया किधर जा रहे हो ये क्या कर रहे हो आराम से सारे ऊँटों को बांधा और फिर अपने आप यानी कपड़े चेंज किए अपने आप को प्रजेंटेबल बना के जब आ रहे थे ना तो रसूल अल्लाह ने दूर से देख लिया उनको और फिर उनको देखा कि कहा कि इन नफी के ख़लत के आपके अंदर दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्लाह क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह तला को बहुत पसंद है यानी अल-हिल्म वल अनात यू हैव फॉर बेरेंस इन यू और अनात ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है अनात का मतलब ये है कि जब बंदा इन द फिट ऑफ रेज हो ना गुस्से की हालत में हो या हसद उसके अंदर वो ट्रिगर कर रहा हो बंदा अपने माइंड को ऑफ मत करे और आपने देखा होगा कि जब बंदा हसद में है या गुस्से में है बंदा अपनी ज़ुबान से बुरे कलिमात तभी निकालता जब उसका माइंड शट ऑफ हुआ होता है देन दैन एन देन यू नो पीपल देर डाइवोर्स देयर वाइफ और बहुत कुछ कर जाते हैं तो ये देखें क्या ज़बरदस्त यानी क्वालिटीज़ uh, हैं कि उसके अंदर फोर पेरेंट्स थी उस शख्स के अंदर यानी उसको हम कहते हैं ना बुरदबारी

तभी आपको जो है आएगा हो सकता है कि अभी किसी आपको दो बातें किसी ने सुना दी है

कि कई ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे एक टोटल बैरियर होता है आप ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं मिसाल के तौर पे देर इज़ अ सिस्टर फॉर इंस्टेंस वो आ, अपनी ग्रैंड जो जो उनकी आ, सास हैं अच्छा बर्ताव भी करती हैं एवरी इज़ फाइन लेकिन हो सकता है वहाँ से कोई भी रिलैक्सीशन मिल ही नहीं रही वहाँ पर कोई सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं नाउ दिस सिस्टर इज़ सही कि अब जी मैं वाट शुड आई डू नेक्स्ट हाउ शुड आई कंट्रोल माई सेल्फ तो बात हो आती है कि ये दो चीज़ें बहुत हेल्प करेंगे इनशा और हो सकता है कि अगर एक एक लफ्ज़ भी आपको चुपता है ना इनशा आप अपनी पूरी कोशिश करें एंड यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट और आप इनशा अपना जो ये जो माइंड है ना इसको कंटिन्यू करते हुए आप यानी शर को खैर से बदलें वो जैसे वो आते हैं ना अहसन कि वला इतफाबिलहसन जो बुराई है और अच्छाई कभी भी इक्वल नहीं हो सकते दिस और अहसन बुराई को इस तरीके से आप उसको जो है साइड पे करें कि होगा क्या यानी अच्छाई से करें होगा क्या कि जो आपका जो ये तो यानी तो एक्सट्रीम एग्जांपल है ना जो आपका दुश्मन है वो आपका जो है यानी दोस्त बन, बन जाएगा वैसे भी ना इस सिचुएशन में याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी इस्तः ज्यादा नहीं आजमाता ना और मुझे बल्कि याद आ गया भी एक दफ़ा कहते कहते थे जिसको जितनी मुश्किल मिल रही है ना तो याद रखे अल्लाह ताला यानी कि उसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ डाली हुई है तो कहते हैं इसलिए किसी को मुश्किल सास मिल रही तो इसका मतलब है कि अल्लाह वो तगड़ी औरत है किसी को तो तो बहुत अच्छी सांस मिल गई इसके मतलब उसके अंदर कुछ खास क्वालिटी थी नहीं अब वो ये जो कॉन्सेप्ट भी है ना साथ साथ के आ, आपको अगर गुस्सा आ रहा है उसको आप कहीं ना कहीं जाके निकाल दो गो टू फॉरेस्ट और सी शोर और अकेले जाके चीखो और चिल्लाओ और वो करो या फिर गेट अ पंचिंग बैग और उसको मारना शुरू कर दो दिस इज़ नॉट द राइट कॉन्सेप्ट क्योंकि सबर करने से सबर आता है और अगर एक इंसान फॉर एग्जांपल सबर को किसी ऐसी जगह पे निकाल रहा है ना जहाँ पे उसके लिए निकालना आसान है फॉर एग्जांपल पंचिंग बैग है वो सारा है तो फिर अपने वो बॉस की मार और डांट को या बुली करने को अपने बच्चों पे निकाल लेगा या अपनी वाइफ पे निकालेगा बिकॉज उसको कहीं ना कहीं निकालना है सो तरीका ये, ये तो है और इवन हदीस मैं कमाल की हदीस है कि रसलील्ला के जो शख्स बावजूद इस कि वो गुस्सा निकाल दे फॉर एक्ज़ाम्पल कोई ऐसा शख्स है ना जिस पर आप गुस्सा निकाल सकते हो आपके बच्चे हैं आपके मातहत लोग हैं अच्छा बॉस पे तो नहीं निकाल सकते ठीक है अपने जूनियर्स पे अपने जूनियर्स पे वो अपने गु़स्से को काबू करता है और कंट्रोल करता है आपके खान सामने से गलती हो गई मेड से गलती हो गई ठीक है अल्लाह साल की आमद के दिन तमाम इंसानियत के सामने वो अम्बिया सदकिन शुहदा साल सब हैं उनके सामने उस बंदे को कॉल आउट करेंगे और कहेंगे जितने भी हौर है ना बड़े आंखों वाली खूब खूबसूरत में से तुमने जो मर्जी सेलेक्ट करनी है बराबर उनके लिए ऐसे <laughs> वार तो, exactly. तो ये चीज ना यही कंट्रोल करना इवन हदीस में तो ये भी आता है कि जो शख्स हक पे होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देगा अल्लाह के नबी ने कहा कि आई विल गार्टी प्लॉट इन दॉर्नर ऑफ पेराडाइस हक पे होने के बावजूद यानी ब्रो लोग क्यों झगड़े होते हैं यार मैं तो ठीक हूं ना मैं तो ठीक हूँ ऑलवेज गिव अ चांस के यार मैं गलत हो सकता हूँ नंबर वन मैं गलत हो सकता हूँ और दूसरी बात यह है कि अगर मैं ठीक भी हूँ तो मुझे तो जन्नत में प्लॉट चाहिए भाई और कहीं ना कहीं गलती का ना एलिमेंट होता ही है होता ही ठीक है इट्स नॉट कि आपने बात आपकी थी, आपकी बात ठीक लेकिन हो सकता है उस मौके की मुनासिब शायद आपने ठीक बात ना किया आपके टोन में कुछ उन्नीस बीस और दूसरे का परसेप्शन गलत हो गया अच्छा मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि अगर कोई दो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल सास बहू ही कर लेते हैं अगर फॉर ओवर द ययर्स कुछ होता है ना तो इधर से भी आए दोनों साइड से गलतियाँ होती हैं hmm. लेकिन अगर दिल में कोई ऐसी चीज़ पैदा होना शुरू हो गई या पैदा हो गई है टूवर्ड्स द अदर पर्सन तो अब इसको कैसे साफ किया जाए और वो जो भी डिवेलप हुई भी है आ, जो खिंचाव है, hmm. है या हेटरेट है या डिसलाइक है हाउ डू वी गेट इट बिकॉज इसमें ना एक चीज जो बड़ी नेचुरल है ना वो ये है कि यार बड़े और छोटे ना दो डिफरेंट जनरेशंज हैं ठीक है और अक्सर दो डिफरेंट अगर पर्सनैलिटीज भी हो जाए तो डिफरेंसेस तो रहेंगे ना ना सास बहू को चेंज कर सकती है ना बहू सास को चेंज कर सकती है इवन हस्बैंड ना वाइफ को पूरी तरह चेंज कर सकते है, ना वाइफ हर्स एक पर्सनैलिटी नेचुरल डिफरेंसेस अपनी जगह लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना कि जो दिल में कोई बोग रख लेना या हंसद रहना या कि ना कोई नफरत आ जाए दिस इज डेंजरस फॉर फॉर बोथ द पार्टीज़ इन फैक्ट हाउ हाउ डू वी गेट रेड ऑफ दिस थिंग अगर हमारी किसी इंसान के लिए ऐसी चीज़ें आना जो हमने कल बात की थी ना यानी माइंडफुलनेस और खुशबू वगैरह पे जो बंदा ब्रो मैं समझता सबसे ज्यादा ईगो बीच में आती है इसके कि मैं क्यों जाऊं गलती hmm. तो उसकी hmm. है नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँ गलती तो उसकी है और ही शुड से सॉरी टू मी एंड शी शुड से सॉरी टू मी वैल्यू सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और ब्रो जो जो बंदा हम्बल होता है ना और खुशबू वाला होता है हम तो समझते हैं ना खुशू से नमाज का ऐसे ताल्लुक है अ पर्सन ऑफ खुशू ही इज द फर्स्ट टू से सॉरी एंड द लास्ट टू एक्सपेक्ट एन अपोलॉजी ही इज द फर्स्ट पर्सन टू Uh, hmm. मुझसे लोग आके मिलेंगे बात करेंगे बिल्कुल कमजोरी के बारे में बात करें बट वेन ही टबाउट अदर्स अबाउट ग्रेटनेस और कितना अजीम इंसान है वो hmm. ये चीज़ आजकल के दौर में ना ब्रोपता है क्या है आज के दौर में है कि मैं बड़ा हूँ मेरी आना एक सबसे बड़ी डिजीज है, है, है।, है मैं समझ मैं रहा हूं एग्जांपल दूं एक भाई थे जिनसे थोड़ा सा ना यानी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई थी कुछ अर्से पहले मेरी ठीक है और जब मैंने सोचा ना कि यार रमज़ान दाखिल हो रहा है तो मुझे उनसे लाजमी मिलना चाहिए और सब कुछ तो मुझे पूरी कायनात पर किसी का नाम जहन नहीं आया जिससे मेरी अभी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट बातचीत ना हो हम सबसे बेहतरीन था सिर्फ एक उनका मुझे जहन में नाम आया ब्रो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू हिम मैं मस्जिद में था जब मुझे ख्याल आया टू हिम और शैतान इसको इतना बड़ा कर पेश करा था कि नहीं ही शुड से सॉरी ही शुड कम टू यू या फिर क्या क्या क्या, क्या होगा कैसे फेस करेंगे दूसरे को और सारा ठीक है ब्रो बट फैला इट वाज इजी

मैं आपको बोलता हूँ कि ये हो नहीं सकता आप इतना बड़ा स्टेप लगेगा अल्लाह ताला उसके अंदर ना मामला आसान कर देता है जो आपको लगेगा ना ऑक्वर्डनेस होगी मसला होगा यार आप किसी के पास जाकर जोड़ने की करेंगे ना अल्लाह से नन्टल वो कोई बहुत ही टेढ़ा शख्स है ना जो कि रेयर होता है उसके अंदर भी अल्लाह ताला मुझे लगता है कि वो डाल देते हैं कि वो मामला बड़ी आसानी से नहीं अगर हो सकता है कि अगर मामला उस बंदे का दिल अगर ना भी नरम हो ना अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथ इतनी दे देते हैं कि आपका सबर का लेवल अलहमदिल्ला ऊपर हो जाता है क्या तो आपको समझ हुई ये, ये, आपको ना समझ माने लग जाती हैं जो है ना कि क्या सिचुएशन अक्सर केसेस मैंने देखा है यू आर थिंकिंग कि मैं क्या अपने आप को जलील कर रहा हूँ सॉरी बोलने का मेरी तो इज़्ज़त का मोजी रेस्पेक्ट वदीम रो अक्सर केसेस में दन सॉरी अल्लाह उसकी इज्जत अल्लाह के लिए कोई इंसानिटी करे ना अल्ला, अगर अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह उससे इज्जत में बढ़ा देता है आपने कितनी जबरदस्त हदीस भी कि जो बंदा हक पे होने के बावजूद उस बहस को छोड़ देता है ला तो ला उसको जन्नत में घर देते हैं इसमें एक और बड़ी चीज है ना कि ये जो हम लोग अक्सर ना ये चीजें कर देते हैं हम कहते हैं यार अच्छा ये बंदा ना ये बड़ा टॉक्सिक बंदा है इससे बस दूर ही रहो बात ही ना करो चीज ना करो अच्छा किसी किस में अगर कोई दोस्त है ऐसा बंदा उसको अवॉइड कर सकते हैं लेकिन अगर रिश्तेदार है तो यू कॉन्ट डू दिस Hmm. तो ये और और क्या करते हैं हम इग्नोर करके हम कहते हैं बस छोड़ो और दिल में रख लेते हैं बात वी डोंट से टंग बट दिल में रख लेते दिस इज नॉट गुड एक, एक में ए, एक, आप बताइएगा hmm. एक रियलाइजेशन इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप आ, ये समझ लो कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता

लेट्स uh, से एक एक सिनेरियो ये है कि हालात बेहतर नहीं हो पा रहे right? और राइट uh, और जो हस्बैंड है ज़ाहिर बात है ही इज़ ऑल्सो फेसिंग द ब्रंट अब जाहिर बात है कि हस्बैंड को वाइफ भी अप्रोच कर रही है वहाँ से मदर भी अप्रोच कर रही है हैं इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हस्बैंड्स या तो अगर हस्बैंड के लिए पॉसिबल है

रोज देख देख के ना शक्ल एग्जैक्टली की वो रिफ्ट पैदा हो जाती है ब्रो और हम अक्सर वैसे यूजुअली सास को कहते हैं कि सास ही हमेशा अनरिजनबल अं। होती है लेकिन बहुत सारे केसेस में बहू भी अनरिजनबल अं। होती है सो so दोनों की तरफ ना और हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड को ना ब्रो ये जो खवाम है ना सब फाइन ये वजह से है डोंट लेट द कैट्स फाइट सी बीच में मीडिएटर बनो अम्मी जी आप जो बात करेंगी मुझसे कहेंगी मैं कन्वे करूंगा बहुत सारी बातें हजफ कर जाए कुछ जैन बात है वो अपने तरीके से कर रहे हैं सास कहेगी मैं सबर कर रही हूँ मर्द बनने का मतलब ये नहीं है अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि मर्द मैंने जी उसको रगड़ दिया मैंने उसको रगड़ दिया मैंने उसको सुना दी ये बड़े कमजोर इंसान की निशानी है। कहो आम means scared यार ये वो हदीस में है। क्या आता है कि सहाबा रेसल कर रहे थे अल्लाह तो के मसीह सल्लम आए वो अपनी ना स्ट्रेंथ आपस में ना करते कि मैं ज़्यादा कभी रज्जाल, कौन, कौन रज़ाल है कौन रज़ौल है कौन वो है अब इसमें क्या कि असल मर्द वो नहीं है जो दूसरे को पिछड़ा जिमे लेक। असल वो सो यस सर सुबह जो लोग अपने आप को समझते ना कि हम जहाँ भी जाते हैं हम ऐसे की तहसीब फिर देते हैं वो बड़े कमजोर लोग हैं और जो <laughs> लोग अपनी गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं ना जब भी वैसे गुस्सा है ना आप अपने को जैसे मैं मर्द हूं ये नहीं हूँ, यानी <laughs> मैं मैं رجال में नहीं नरम 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 मिजाजी जो है ना आई थिंक इट्स अ सॉल्यूशन टू अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स अगर आप बस और जो आपने भी बात की ना कि दूसरे को वो जो रूम देना शुरू कर दे यार आप ना दूसरे को वही बात है कि यार I don't know इस बंदे के बैकग्राउंड में क्या चल कोई अगर हमको ठीक रखना चाहते हैं ना आर बेस्ड ऑन तक मीन हीडलेस ऐसा क्यों किया था उसने ऐसा क्यों कहा उसने मुझे तो गिफ्ट नहीं दिया उसको तो गिफ्ट दिया 90% परसेंट अगर हम मेनटेन करना mm -hmm. चाहते हैं ना ये अतगाफुल ही बींग हीडलेस खैर है इन ah. उसके जहन में नहीं आया होगा उसने जो बात की होगी या उसने जो ये टॉट mm -hmm. मारा वो शायद जो करना चाह रहा हो उससे जो निकला ना उसी तरह से ब्रो हमारे लिए ना मुश्किल <laughs> हमारे लिए मुश्किल बड़ा हो जाता है दीन पे तो चलना ना <laughs> जी क्या हम नहीं ऑनेस्टली ये बड़ी बड़ी बात है ये बैड जोकर की बात हो रही है कैसे ये बात ब्रो एक्सेसिव जोकिंग कैन कॉज अ लॉट ऑफ हंसना एग्जैक्ट एक्सेसिव जोकिंग

नहींस्ट स्पीकिंग यार देखें साहबा कराम फर्क था, था।, था। तारीफ यार सीरियसली देखें इन द मिडिलेशन अब जब हदीस हम यानी हम भी सुनते हैं साहबा कराम ने भी सुनी तुम तुम्हें से जब कोई बंदा गुस्से में हो तो खड़ा है तो बैठ जाए बैठ जाए, जाए बैठा हुआ है तो लेट जाए hmm. या उस इन्वायरमेंट को चेंज कर ले नाउ इमेजिन सुबह हम तो यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं ना अब गफारी वो एक शख्स से बातचीत कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ मिडिलेशन ही लाई डाउन लेट गए अब ये बंदा सोच रहा है कि यार ये क्या बात हुई हम तो बहस कर रहे थे अभी तो कहते मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना था अगर तुम्हें गुस्सा आ जाए यू नो यू हैव टू ले डाउन तो मुझे नबी की बात याद आगी तो मैं क्या देखा हाँ, थे क्या हम, हम, थे यार, हम, कहां पे हम इसे कौन कर सकता है ऐसे हम तो तो मेरी हो जाएगी यार मैं लेटा हूँ बंदे बोलेंगे इसको क्या हो गया जब मैं बताऊँ किया किसी ने

वो होगा को जो तो हाथलाका बेहतरीन यार।, यार हमारे ना दिल पेश होंगे ना दिलों के हालात तो हाँ। अगर इस दिल के अंदर नफ़रतें हैं बगज़ है ये कैसे हम अलग सामने उस दिन खड़े पेश करेंगे यार that's that's like very scary you know we need to cleanse our hearts बिल्कुल लोगों से नफ़रतों से बोझ से किसी फॉर्म ऑफ चीज़ों से ना क्लियर करें लोगों के साथ ना नरम मिजाजी और एहसान वाला रवैया and giving everybody a lot of margin the तो toxicity चाहे आपके अपने अंदर हो या लोगों के अंदर हो ये खत्म हो सकती है आप खत्म कर सकते हैं अपने अंदर, अपने अंदर भी डेफिनेटली तो कर सकते और हैं और लोगों के साथ भी खत्म कर सकते हैं जस्ट बाय बीइंग नाइस हाँ, be, you know? उस तरह खत्म कर सकते हैं कभी ना कभी वो थॉट्स जरूर स्पार्क करेगा कि यार मैं इतना बुरा हूँ इसके साथ और ये ही इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस सो अल्लाह के नबी की दावत सही तो थी ना वो कांसेप्ट ना गिव व्हाट यू वांट मोर ऑफ सही है तीन चीज़ें हैं जो आप जितनी दोगे उतनी वापस रिबाउंड होंगी रिबाउंड होंगी एक लव एक रिस्पेक्ट और एक हेट्रेड जितनी आप अगले को रिस्पेक्ट दोगे उतना रिस्पेक्ट रिबाउंड करेगी सो सुफीन अल्लाह बात ये कि अगर हमें दीन की समझ आ जाए ना और हम अगर अपने दिलों को साफ और पाक कर लें और अल्लाह के सामने रोएं अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं ना ब्रो तो हमें जन्नती वाली क्वालिटीज़ अपनानी होंगी और अल्लाह ताला जन्नती वाली क्वालिटीज़ बताते हैं कि वो ऊपर बड़े-बड़े यानी सूर मुतकाबिलिन बेड पे बैठे होंगे और उनके दिल पाक साफ होंगे उनके दिल में हसद और बक्स नहीं होगा सुभान अल्लाह इफ वी वांट पीपल टू बी पीपल ऑफ जन्नत वी हैव टू बी आवर हार्ट शुड बी क्लीन ऑफ